पाठ तेरी है जमी का काव्य का ज्ञान करने हैं और उसकी समझूती लेने वाले हैं। तो ये काव्य एक प्रार्थना गीत है जो द बर्निंग ट्रेन उसमें से ली गई है। उसका काव्य का नाम है तेरी है जमी, जो हमें भगवान को, खुदा को, प्रभु को हम याद करते हैं। यह एक प्रार्थना गीत है। इस प्रार्थना गीत में हम भगवान को याद करते हैं, उसने हमारे लिए कैसी कैसी रचना की है, उसके लिए हम उसको उनका अभिनंदन करते हैं। इस तरह इस कविता का हमको समझूती देनी है। तो पहले हम इस कविता का गान करेंगे। सभी को ये कविता देखनी है और साथ साथ गानी भी है। अपनी पुस्तक अपने हाथ में ले लेना और इधर जो कविता दिखा है तो उसके साथ अपने गीत गाना शुरू करना, क्योंकि ये कविता हमको मोड़े भी मुख पाठ भी करने की है। कविता की हम समझौती देखेंगे। और ये कविता YouTube पर भी आप देखने को मिलेगी। मेरा आसमान तू बड़ा है बड़ा, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर सभी। हे भगवान यह सारी धरती और आसमान तेरा है, तुम बड़े ही दयालु हो, तुम हमें हमेशा क्षमा करना, तुम सभी के हो और हम सब तेरे हैं। हे प्रभु हमें हमारी भूलों के लिए क्षमा करना, तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने ये जिसको जान पाए हैं।
हम पर रखना इस हाल में है, मुंह पर रखना तेरी है जमीन सत्यजी हे माने इस दुनिया में हम तुम्हारी मर्जी से आए हैं अर्थात हमारा इंसान के रूप में जन्म हुआ है तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं तुम अपनी दया और बारी दृष्टि हम पर रखना और हम इस हाल में है ये हमेशा हमारा रखना तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे ईश्वर ने ही बनाया है और तुम्हारी मेहरबान से बख्शिश कर यहाँ बख्शिश का अर्थ क्या होता है बख्शिश का अर्थ होता है भेंट उपहार लेकिन इस कविता में बख्शिश का क्षमा करना ऐसा होता है तो हे प्रभु हमसे कोई गुना हो जाए भूल हो जाए तो हमें माफ करना बख्शिश करना यानी माफ करना तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं हम इस दुनिया में किसकी रहमत से आए हैं किसकी कृपा से आए हैं इस भगवान और खुदा की रहमत से ही आए हैं और हमने ये जिस्म और जा हमने जिस्म यानी शरीर ये शरीर और प्राण भी किसने बनाया है ये भगवान खुदा ने ही बनाया है हम किसी भी हालत में है तू हम पर अपनी नज़र रखना क्योंकि भगवान तो सब जगह होते हैं खुदा तो सब जगह होता है तो हम भगवान या खुदा को यही प्रार्थना करते हैं कि हम जहाँ भी हो जिस हालत में हो भले हम सुख में हो या दुख में हो लेकिन तू अपनी नज़र हम पर रखना और हमारी मदद करना तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे इसलिए हमें भगवान से ये कहना है कि तू बड़ा सर्वोपरि है शक्तिमान है ताकत वाला है क्यों क्योंकि तुम्हारे हाथ में ही है कि तू हमको मार भी सकता है और हमारा जीवन भी दे सकता है इसलिए हे प्रभु हे खुदा हम तुम्हारे आगे सर झुकाकर यही प्रार्थना करते हैं कि हमें जिस हालत में है तू हमारे साथ रहना क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला कौन है सिर्फ आप ही हो भगवान आप ही हो खुदा यानी हे भगवान हे खुदा तू हमारे साथ रहना हम किसी भी हालत में हो किसी भी मुसीबत में हो हमारे साथ रहना ये जिस्म ये शरीर और प्राण तुमने ही दिया है तो उसकी रक्षा भी तुम ही करना यानी इसमें बख्शिश यानी भेंट और उपकार होता है लेकिन इस कविता में उसका अर्थ है क्षमा करना यानी हमसे कोई भूल हो जाए तो उसको भी क्षमा करना मालिक मालिक यानी स्वामी और ईश्वर प्रभु खुदा स्वामी ईश्वर ये सबका अर्थ मालिक का होता है तेरी रहमत रहमत यानी कृपा दया इसका अर्थ होता है आफत आफत यानी मुश्किल संकट बराबर हम पर कोई भी आफत या यानी मुश्किल या संकट में तो हे प्रभु तू हमारे साथ रहना मेहरबा तू बड़ा कृपालु है दयालु है हम जो तुम्हारे आगे सर झुकाकर खड़े रहेंगे तो तू हमारी रक्षा करेगा जिस्म यानी शरीर और जा यानी प्राण तो ये शब्दों के अर्थ आपको पता चला कविता की समझौती तो आपने इसमें सीख ली मैंने भी थोड़ी समझौती दी है और ये शब्दों के अर्थ भी एक बार याद रखना बख्शिश यानी भेंट उपहार मालिक यानी स्वामी ईश्वर रहमत यानी कृपा दया आफत यानी मुश्किली संकट मेहरबा एटले कृपा दयालु जिस्म एटले प्राण और जा एटले प्राण जिस्म एटले शरीर तो आपने इस कविता को एक बार अपनी नोट में लिखना है उसके बाद शब्दों के अर्थ उसमें लिखने हैं फिर पीछे अभ्यास है अभ्यास में प्रश्न एक है कि एक कविता आपने टेप रिकॉर्ड के माध्यम से सुनी हमने तो इधर सुना ही है लेकिन आपने यूट्यूब पर देखकर भी ये कविता को 2-3 बार सुनने का है तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद रख सकते हैं